ब्रह्मचर्य गोष्ठी चल रही है। इस अष्टांगिका में ब्रह्मचर्य की मुख्यता से चर्चा हो रही है, लेकिन सभी की काम की चीज है, क्योंकि ब्रह्मचर्य पर शादी नहीं करने वालों का ही अधिकार नहीं है, ब्रह्मचर्य पर शादी करने वालों का भी अधिकार। ब्रह्मचर्य माने एक लाइफ स्टाइल, आनंद करने की स्टाइल, जिस पर सभी का हक है। प्राणी मात्र को ब्रह्मचर्य का आनंद लेना चाहिए। इसे रूढ़ी से मत देखा कि जो शादी नहीं करते उनका नाम ब्रह्मचारी, जो प्रतिमा ले लेते हैं उनका नाम ब्रह्मचारी। सच्चे स्वरूप को समझे उसका नाम ब्रह्मचारी, भ्रष्ट स्वरूप को समझे उसका नाम ब्रह्मचारी, आनंद करे वेद विज्ञान करे उसका नाम ब्रह्मचारी। रूढ़ अर्थ नहीं लेना, अभी साधु प्रतिमाधारी का अर्थ नहीं लेना, आप अपने ही अर्थों में लेना, क्योंकि यहाँ जितने भी हैं मैं नहीं समझता कोई प्रतिमाधारी है साथ ही प्रतिमाधारी, लेकिन ब्रह्मचर्य अनुव्रति सभी हैं, जो शादीशुदा हैं वे भी ब्रह्मचर्य अनुव्रति हैं, क्योंकि उन्होंने विवाह के समय स्वयं द्वारा संतोष व्रत का नियम लिया है, उसका नाम दूसरा ब्रह्मचर्य अनुव्रत भी है। आप आठम चौदस समता से रहते हैं, परिसी सेवन नहीं करते, वेश्य सेवन नहीं करते, अपने पति या पत्नी में ही संतुष्ट रहते हैं और तत्वज्ञानी हैं, तत्व का आनंद लेते हैं, तो ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहलाता है। तो अपन आगे की चर्चा इसमें करते हैं, सुनना ध्यान से। सारे जगत में एक तकलीफ है, सभी के पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रख रहा हूँ, फिर उसका उत्तर दूंगा। सारे जगत के पास प्रॉब्लम ये है कि जैसे उसके पास आपका उदय आता है तो पीड़ित हो जाता है, अपमान खास तौर से बर्दाश्त नहीं होता। अपमान की पीड़ा मनुष्य गति में 100% को ही है, लगभग 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 कहकर के हमें कहना चाहते थोड़ा मुनि राजा को छोड़ दो, बाकी सबको एक प्रॉब्लम है मान कसाई की। मनुष्य गति में मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता, और हम सब में से भी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमें मान की कोई पीड़ा नहीं, मान की पीड़ा है। जब ये अपमान होता है तो हम एक कदम उठाते हैं, जो सभी उठाते हैं लगभग 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 उठाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आज इस पर डिसीजन हो, कौन इस कॉन्फ्रेंस में इसकी निर्णय करेगा कि ऐसे समय हम करें क्या, जब हमारा अपमान हो जाए, जब कोई हम पर लांछन लगाए, जब हमारी कोई बदनामी कर दे, तो हम करें क्या? प्रश्न समझ आए सबको? और ये सबके साथ गुजरती है, कहीं चैन नहीं मिलती, स्कूलों में चैन नहीं मिलती, कॉलेज में चैन नहीं मिलती, पड़ोसियों से चैन नहीं मिलती, घर में देरानी जिठानी हो तो चैन नहीं मिलती, कहीं चले जाओ, क्योंकि मनुष्य गति में खून की तरह मन का साथ व्याप्त है, ब्लड होता है, ब्लड व्याप्त होता पूरे शरीर में, ऐसे मान का साथ व्याप्त है। तो हम लगभग लगभग एक उपाय करते हैं कि हम फौरन लॉजिक देना चाहते हैं, समझा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, दो तरह से बता देना चाहते हैं। यदि हम सज्जन हैं तो हम पूरे प्यार से लॉजिक बताते हैं, और दुष्ट हो तो धमकी देकर के भी समझाना चाहते, बोलो खुलासा हुआ कि नहीं, तुम्हारा दिमाग साफ हुआ कि नहीं हुआ, और सुनो आइंदा जवान मत खोल देने, मैंने दुष्ट व्यक्ति होगा तो दुर्जनता के साथ समझाने की कोशिश करेगा, और सज्जन होगा तो लॉजिक देगा, प्यार से बैठ करके समझाएगा। तीसरा स्टाइल ये हो सकता है कि रोए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए, हमारी क्या गलती थी, हमने क्या बिगाड़ा, तो कोई को हे भगवान इस जन्म में तो हमने किसी का बुरा किया नहीं, सब हमारी हमारा बुरा क्यों चाहती है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, विद्वेष हो जाए, जेलेसी हो जाए, ईर्षा हो जाए, षड्यंत्र हो जाए। अब प्रश्न है कि ये तीनों कंडीशन बन जाए तो अपन करें क्या, समझ में आ रहे सबको? प्रश्न एक नेचुरल प्रॉब्लम है सबकी, सभी की प्रॉब्लम है, हमें क्या करना चाहिए, मैंने जैन दर्शन क्या समाधान सुझाता है,
मान्य दर्शन तो कहते हैं भैया सहन नहीं हो तो लड़ो मरो मारो, यहाँ तक कहते हैं कि मर जाओ स्वाभिमान के लिए। जिसके पास स्वाभिमान नहीं है वो व्यक्ति मुर्दा है, ये अन्य दर्शनों की यही हालत है। मैं अपना मंतव्य जिनागम के आधार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अत्यंत भाव नाम कह दिया हमने, अत्यंत भाव। यहाँ से सोचो जरा, दुख का कारण कर्म का उदय नहीं है। सोचो जरा शांति से, उपाय तब करो, पहले सोचो तो समझो तो, उपाय तो बाद में करना। कोई आपको दुखी करता नहीं है कि कर नहीं सकता, कोई आपको सुखी करता नहीं है कि कर नहीं सकता। कल सुबह प्रवचन होने के बाद तात्विक आधार से चला था ना, वहाँ स्वामी जी की एक बहुत सुंदर वाक्य की याद आई। स्वभाव कभी मिटता नहीं, विभाव कभी टिकता नहीं। क्या कहा? स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। आनंद करो ना, ये स्वभाव मिटता नहीं, लाख कर्म का उदय है। हमारा क्या मिटा, मिटा क्या नहीं तो बताओ, बोलो। गवर्नमेंट में एक कानून पास हो गया, पता नहीं है कि हमें मालूम नहीं, लगभग हो गया होगा, तमाम कानून होते हैं अपन ज्यादा नहीं मालूम। ये यूपी में एक कानून पास हुआ था, यदि एससी एसटी महिला का कोई सील हरण करेगा तो उसे तत्काल 1,00,000 रुपए का पेमेंट होगा। है न्याय मिलता है? मैं हरिजन एक्ट में किसी महिला का शोषण किया जाए तो उसे तत्काल गवर्नमेंट 1,00,000 रुपए की क्षतिपूर्ति देती है। हमें तो ये कहना है कि तो फिर झूठे केस भी बनने लगे, क्योंकि 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं, यदि कोई हो रहा है क्या दिक्कत है। तो फिर कुछ महिलाओं ने बहलाना फुसलाना भी शुरू कर दिया, किसी तरह अट्रैक्ट करो और फिर आरोप लगा दो। जो खराब सील स्वभाव वाली थी, कुशील स्वभाव वाली थी, उन्होंने इस तरह से षड्यंत्र कर करके भी फंसाना शुरू कर दिया। कैसे हिम्मत कैसे पड़ी होगी फंसाने में? वो जिन 1,00,000 रुपए का आनंद दिखाई दे रहा है उसके सामने कुशील का आरोप कुछ लगता नहीं। पुलिस क्या पूछेगी, थानेदार क्या पूछेगा, मेडिकल टेस्ट होगा, समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, कोई टेंशन नहीं। क्यों? 1,00,000 रुपए का आनंद दिखाई दे रहा है। वो अखबार में अभ्यास निकलेगा, समाचार खोली तो छपाएगी वो अखबार में, भाषण वही तो देगी वो, सर जो क्या कहना स्टेटमेंट तो वही देगी। फिर पुलिस वाले उसकी जांच कराएंगे और तमाम बातें पूछेंगे, थाने में चार ऐसी बातें की जाएंगी और कोर्ट में फिर 100 तरह की बातें पूछी जाएंगी, लेकिन उनको किंचित मात्र भी कष्ट नहीं लग रहा। खोटा दर्शन था, ओ 1,00,000 रुपए के लिए कुशी नहीं दिख रहा, अभ्यास नहीं दिख रहा, समाचार पत्र की बदनामी नहीं दिख रही। दृष्टांत है केवल क्योंकि दृष्टि 1,00,000 रुपए की क्षतिपूर्ति पर दिखाई दे रही है। सुनो, अब इसे अप्लाई करो अपने अंदर। भैया तुम्हें दुखी करने में कोई समर्थ नहीं है। अभी कह रहे थे 1,00,000, ऐसे स्वभाव मिटता ही नहीं है। हजारों लाखों कर्म का उदय, अब तो ऐसे गरज के बोलो हजारो किसान कर्म के उदय बेकारी भाव तो होते हैं। सुनो, वो टिकता नहीं है और परिणामों की स्थिति सदा काल एक जैसी रहती नहीं। बिल्कुल मूल मंत्र हो गया जैन शासन का। बोलो क्या की चिंता करें, कौन से परिणाम की चिंता करें, बोलो टिकता ही नहीं। ऐसे हंसी आनी चाहिए जैसे बहुत जो बुखार हो जाए 105 और डॉक्टर कहते 1 घंटा में उतर जाए। बोलो उतरने के बाद आनंद आएगा कि उतरने पहले से ही आनंद आ जाएगा? बोलो एक जड़ी बूटी मिल जाए तुम्हें, कोई भी बुखार तुम्हें 1 सेकंड से ज्यादा नहीं चढ़ेगा। बोलो सिर दर्द 1 सेकंड से ज्यादा नहीं होगा। बोलो ऐसी जड़ी बूटी तुम्हारे पास हो तो अब बोलो बीमारी की कितनी चिंता करोगे?
ऐसे विभाव की कोई चिंता नहीं, अभ्यास की कोई चिंता नहीं, स्वभाव मिटता नहीं, आनंद का स्वभाव मिटता नहीं, प्रभुता का स्वभाव मिटता नहीं, दृढ़ स्वभाव स्वभाव मिटता नहीं, आनंद करो। हरी बात समझ आ रही है? अब अपने आप को रखो ना इसमें, तुम्हारा स्वभाव कैसा है बता, बताओ कैसा है, बोलोगे तो नींद भग जाएगी। वैसे अरे जैसा है जे तो ठीक है, जे तो ठीक है, जे तो ठीक है, जब तक घोड़ा दौड़ जाती है उधर तो इतने में बात उपयोग खत्म हो जाता है। मैंने आप अपनी समस्या रखो ना सामने, बोलो कौन कौन को अभ्यास की तकलीफ नहीं लगती, बोलो। सबसे ज्यादा बतंगड़ तो इसी बात का है, हम नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते, हम तो खूब सुन सकते, बोले बोलो भैया। क्या बम खतरनाक है कि बम की बारूद खतरनाक है? निकाल दी बर, तुम अपनी बारूद निकाल दी, अब क्या बचो, खत्म हो गई बस। तुमने जितनी बड़ास थी निकाल ली, अब तुम आज मित्र हो गए, बस खत्म हो गए, बारूद तो खत्म हो गई। अब सोचे जरा, स्वभाव कभी मिटता नहीं है। सुनना ध्यान से, शान वाला अभ्यास कर रहा है उसका भी तो स्वभाव नहीं मिटा, और जो अभी गाली दे रहा है टिकता नहीं, बताओ ना। सर जो हमारे शत्रु हैं, सुना इसमें भगवान पने का स्वभाव मिटता नहीं और शत्रु तक टिकती नहीं, लगा जाओ फार्मूला। सर जी हमारे बहुत बढ़िया मित्र हैं, हम तो ये इस जन्म में निश्चिंत हो गए ऐसे मित्र को पाकर। सुनो, इनके भगवान बनने का स्वभाव मिटता नहीं और मित्रता का स्वभाव टिकता नहीं, भरोसे मत रहना, भरोसे नहीं रहना। कोई तुम्हारा स्थायी मित्र नहीं है विश्व में, कोई तुम्हारा स्थायी मित्र नहीं है और विश्व में कोई तुम्हारा स्थायी शत्रु नहीं है। सब शत्रुओं को से भागो मत और मित्र की ओर आओ मत। सुना, सबको भगवान आत्मा देखो, उदय के अनुसार तुम्हें मित्र भाषित होंगे, उदय के अनुसार शत्रु भाषित होंगे। विश्व में कितने शत्रु हैं तुम्हारे, बोलो बोलो भैया, कितने शत्रु हैं? सोचो जरा शांति से। हा हा, कोई दुख दे नहीं सकता, ये लिख रहे हैं आचार्य अत्यंत अभाव के कारण। कौन से वचन दुख रूप है बोलो, सोचो शांति से, कौन सा वचन दुख रूप है जिससे तुम दुखी हो जाते हो? सही बात बताएं, सुनना ध्यान से। कर्म के उदय में कर्म दुख नहीं देती, लेकिन उसी समय तुम्हारी योग्यता दुख रूप होती है। क्या कह रहे, तुम्हारी योग्यता दुख रूप होती है, तुम जबरन की कल्पना कर करके दुखी होते, जबरन की कल्पना। ये सेक्स लिए नहीं था, जबरन की कल्पना कर करके दुखी होता था, सुख की कल्पना करके भी दुखी होता था। क्यों? सुख की कल्पना किया करता था। क्या कमाल था, भूखा प्यासा था, सुना होगा सबने, भूखा प्यासा था। सब गांव में एक ने कही, भैया तुम भूखे प्यासे में छाछ पी ले, सब एक इतना बड़ा गिलास आधा शेर को छाछ पिला दिया है। गांव का जमाना, मक्खन भी था उसमें, सो छाछ पी, सो मूछों में छाछ के साथ पीते पीते मूछों से छनक गई बात। गांव में बड़ी बड़ी मूछे रखती है ऐसे ऐसी, ओंठों के नीचे तक लटकी रहे ऐसी, छाछ पी तो मूछों से छन गई, तो मूछों में थोड़ी सी मक्खन लग गया, मक्खन लग गया तो सुन लगा के अच्छी बढ़िया रही। यदि यदि रोज छाछ मिला जाए तो जे अपन मक्खन इकट्ठा कर जी। अब देखो दुखी होना है, देखो अभी कल्पना कर, कल्पना लोग में सुखी हो रहे हो। अगर अपन मक्खन इकट्ठा कर जी तो एक दिन हो जाए एक से, तो अपन पिघला लेंगे, सो हम घी निकल आएगा, तो इतना घी निकल जाएगा, फिर उस घी को बेच देंगे, उससे पैसा आएगा, फिर खरीदेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर एक बकरी खरीद लेंगे, बकरी के बच्चे होंगे, फिर बच्चे बेच देंगे। कितना सुखी हो रहा है बोलो, कितना सुखी हो रहा है? फिर एक गाय खरीद लाएंगे, तो प्लानिंग बनती चलेगी दिमाग में बिल्कुल, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर भैंस हो जाएंगी, फिर जब भैंस हो जाएगी तो अपन बड़ा कारोबार हो जाएगा ये दूध का, तो अपनी पत्नी होगी, फिर वो पैर दबाएगी और पैर दबाएगी, तो अपन तो अपना तो रोब होना चाहिए मर्द का, एक टांग फटका देंगे, नाच मिट्टी कच में सीख के आई
सोच ही रहे थे जो कचु थे, एकदम पैर फटकार बैठे कुआ के पास में सो रहे थे, गिर पड़े कुआं और क्या हुआ बताओ, ये काय से दुखी था, ये स्वप्न में सुख की कल्पना होता है, स्वप्न लोक में विचरण करने से, कल्पना लोक में विचरण करने से, स्मृतन ध्यान से, ओ जो तत्काल भगवान आत्मा का अनुभव नहीं करते, मात्र कल्पना लोग बनाया करते हैं, फिर पैसा हो जाएगा, कहती प्रॉपर्टी हो जाएगी, दो मकान हो जाएंगे, माता पिता सुखी हो जाएंगे, फिर भैया भाभी सुखी हो जाएंगे, नौकर चाकर हो जाएंगे, फिर माता जी को आराम करेंगे, कल्पना लोग कर रहे, ओ फेल हो जाएगी साल भर बाद, दो साल बाद, पांच साल बाद, कुछ नहीं हुआ, बोलो ये दुख कब से शुरू हुआ बता सकते हो, पांच साल बाद, ये तुमने तत्काल आत्मा का आनंद क्यों नहीं किया, जिसके लिए बेंस जी बहुत अच्छी भाषा कहती थी, हाजरा हजूर विद्यमान छेने, बोला बोला हाजिर हाजिर का भगवान छोड़ के और कल्पना लोग घूम रहे जब पंडित जी तत्व की बात तो बहुत अच्छी लग रही, बस निवृत्ति ले लेंगे दस साल में, आपको मालूम है पुरुषार्थ कभी उधार नहीं होता, क्या कहा पुरुषार्थ कभी उधार नहीं होता, मतलब जो लोग पुरुषार्थ का प्लान बनाते हैं, और जो स्कूल में है ना सब बड़े फंसे हैं, बस दस साल बाद रिटायर हो जाए, सुना पुरुषार्थ कभी नहीं फंसा होता, पुरुषार्थ के लिए कोई अंतराय नहीं है, कोई अटकाव नहीं है, केवल तुम्हारी विपरीत मान्यता ही अटकाव है, कोई अटकाव नहीं, अब करो ना हाजिर हाजिर भगवान का अनुभव करो ना, अब भी करो ना, कौन मना कर रहा है बोला, लेकिन थोड़ी बहुत तत्व की बात भी अच्छी लगेगी तो ठीक है, तो अब अगले साल छह महीने बाद, दो महीने बाद, पांच दिन बाद, अब आज तुम थक गए पंडित जी, अब घर जाके सो जा रहे, तो इतनी अच्छी बात लगी आज, हम कल सुबह पांच बजे उठ के आपके एकांत में सन्नाटा होगा प्रकृति में, तब बिल्कुल ध्यान लगाएंगे, बिल्कुल नहीं तुम उधार की बातें कर रहे हो, पुरुषार्थ की उधार की बातें नहीं करता, क्या कहा पुरुषार्थ की उधार की बातें नहीं करता, समझ में आ रही कैसी बात, जो लोग ये सोचते ना कल परसों एक महीने बाद दो महीने बाद छह महीने बाद, ऐसा नहीं बता नरक वाली जब बात समझ में आती होगी, देशना लगती होती होगी, करण लगती आती होती, कैसे होती होगी, क्या सोचते होंगे, जब मारपीट कम हो जाए तब शांति से बैठे, क्यों चार लोग हंगामा नहीं करे तब बैठे, एक काम करो एक जगह तो ढूंढो जाए नरक में कहाँ है, एक प्लाट ले लो अच्छा सा, बोलो क्या करेगा, बोलो मैं कहाँ जाके कल्याण करता है, बोलो तेरे जाति वाले कहाँ जाके कल्याण करते हैं, मैंने हमारे दिमाग में जो उधार का धंधा है इसलिए उनका पुरुषार्थ नगर का धंधा है, 96,000 रानियां चारों ओर विलाप कर रही हो, विलाप, और उस समय भी देख रहे हैं कि 96,000 रानियों का राग मुझे रुला नहीं सकता, 96,000 रानियां मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, चारों ओर शत्रु चार चार आ गए थे, चार तलवार लेके कौन के लिए आ गए थे, कौन को आ गए थे, सूरज सागर मुंजा चार चार तलवार लेके आ रहे, वो कैसे मुस्कुरा रहे थे, देखो पुरुषार्थ में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे मुस्कुरा रहे कि मार नहीं सकते, इनकी तलवारें छू नहीं सकती, निज आयु छह से हो मरण जीव का, ये बात जिनवर ने कही तुम मार कैसे सकोगे, अजय पुरुषार्थ करने के लिए कहा जाना पड़ेगा, बोलो जब संकट टल जाए अवसर को, भगवान अवसर नहीं आ जाए, अवसर नहीं आ जाए, आज परीक्षा की घड़ी चार चार आ रहे हैं, देख लो सामने से गाली दे चले आ रहे, अरे भगवान और नियंत्रण, अरे तलवार लेके आ रहे, मन ना जाए भैया क्या बताओ, आज आदमी रात हो गया, देख लो ये भगवान ऐसे ऐसे हो रही होगी, मैंने अनुकूलता आएगी तब 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 पुरुषार्थ होगा, पुरुषार्थ किस चिड़िया का नाम, बोलो मैंने जिन लोग ऐसे सोचते हैं थोड़ी निवृत्ति मिल जाए, थोड़ी बहुएं ठीक हो जाए तो हम शांति से मर जाए, शांति से तो अभी मर सकते जब तुम बहुएं हल्ला कर रहे हैं
बोलता है बन जाए तो हम इत करें, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लिख लो बिल्कुल, कौन से अक्षरों से लिखना है बोलो भैया, कौन से अक्षरों से लिखना है, चांदी से कि सोने से बता, वज्र पे लिख दें। फिर सुनो बहुत काम की बात है, जो लोग ये सोचते हैं अनुकूलता होगी तब कल्याण करेंगे, अरे जो इतना भी सोचते ना जरा पढ़ लिख जाए एक आध ग्रंथ, समय सारजी नियम सारजी थोड़ा हुआ फिर करेंगे, कबाऊ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उधार का धंधा नहीं है। अरे एक गाथा नहीं आती हो सना, इस गाथा की पर्याय से भिन्न है, इस शिव से भिन्न है, कछ नहीं आ रही तो भी हम भगवान है, क्योंकि स्वभाव कभी टिकता नहीं। क्या बोला, स्वभाव तो नहीं टिकता। हाँ बोलो बोलो, हाँ तो तुम क्या कह रहे जी बताओ, स्वभाव कभी मिटता नहीं, आप कैसे प्रसन्नता होना चाहिए सुना, तुम 100 करोड़ ग्रंथ पढ़ के मोक्ष चाहिए, हम एक ही पढ़ के चले सुना, तीसरा कह रहा हम एक और नहीं पढ़ेंगे तो अभी चले जाएंगे, क्योंकि हम विश्वास है स्वभाव का, क्या क्या विश्वास है, स्वभाव कभी टिकता कैसा आनंद आने, हमें इतनी सी बात नहीं है, लड्डू बांट आनंद कर, क्या 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 तकलीफ है बताओ, ध्यान रखना, स्वभाव में पुरुषार्थ नहीं करना है, स्वभाव का समझना पुरुषार्थ है, स्वभाव के समझने में कोई अंतराय नहीं, कोई बाधा नहीं है, तुम नहीं समझते इसका नाम अंतराय कर्म का उदय, तुम ये मान ले तुम नहीं समझ सकते, यही अंतराय है और कोई अंतराय नहीं, हमें बताओ, हम दृष्टान दे रहे फटाफट देखो, क्यों शक्कर के स्वभाव में क्या करना पड़ता है, तुम नहीं मानो तो क्या करना पड़ता है, अरे तुम सब मान लो तो शक्कर में क्या वृद्धि हो जाती स्वभाव में, बताओ भैया सोना के स्वभाव में क्या करना पड़ता है, बताओ बताओ क्या भैया, अब हम सारे हिंदुस्तान के लोग मिलकर एक गेहूं को दाना लें और एक एक मत से पास कर दें वीटो पावर कि जो आज से बेसन को काम करे हो, बताओ क्या हो सकता है, बताओ स्वभाव कभी तुम मानो मत मानो, सोचो मत सोचो, उधार का धंधा करो नगद का धंधा करो, उधार मैंने पिलानी, तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा हो, अभी तो अपन नए नए आए एक महीना हुआ है, अब भाई साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरी चर्चा बहुत अच्छी लग रही, सहेली बहुत अच्छी लग रही, और सीमें इतनी बढ़िया गोष्ठी हो रही, बहुत बढ़िया। अब एक बात है, 10-25 सालों बाद अपन भी अपन भी 2-5 साल बाद पढ़ लिख के खूब बढ़िया बोझे, अरे फिर लेट हो यही तो हम कह रहे, 10-25 साल बाद नहीं, अभी उधार का धंधा नहीं है, एक सेकंड बाद देर छूट जाएगी तो फिर कल का कोई धंधा नहीं, भैया फैसला वही कर ले, फैसला वही करो, ओ स्वभाव कभी मिटता नहीं है, हमने कौन सा स्वभाव लिया, अभी समझाने के लिए ज्ञान स्वभाव कहो वैसे तो, लेकिन भगवान बनने का स्वभाव, मात्र ज्ञाता रहने का स्वभाव, ज्ञाता नहीं कहा मात्र ज्ञाता रहने का स्वभाव, कौन अर्थ करेगा बोलो, सुन चुके हो सब लोग, मात्र ज्ञाता रहने का स्वभाव मतलब बोलो भाई, अरे मात्र ज्ञाता कहने पर किसका निषेध कर रहे हैं, हाँ ऐसे बोलो ना, कर्तत्व का निषेध, भोक्तत्व का निषेध, एकत्व का निषेध, मौत का निषेध, मात्र ज्ञाता पढ़ा चुके, मात्र जानता ही तो है, तो क्या अर्थ किया है, भोक्ता नहीं, अगर शांति सोचो, जो कसाय कर रहा है, जो कसाय कर रहा है आदमी, जैसे तुम्हारी मन कसाय लग रही तुम्हें, इसे हमारी इंसल्ट कर दी, सुनो इसमें घटा हुई फार्मूला, मात्र जानता ही तो है, कसाय का करता नहीं है, अपमान का करता नहीं है, और मैं अपमान का भोगता नहीं हूँ, सुनो ये इसका व्यवहार भी टिकता नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं, और परिणामों की स्थिति सदाकाल एक सी नहीं रहती, हो गया 3 पॉइंटों से सारे काम हो गया, बस आनंद करो जाओ, ध्यान रखना हमें किसी को समझाना नहीं है, समझना है, उसका उत्तर कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो क्या करोगे, समझाने के लिए चले जाओ जल्दी से, बताओ बताओ, नमो अभियंतानु हम मर जाएंगे, कह के यदि ऐसा होगा तो मैं गर्दन कटा लूंगा,
ऐसे करके दिखा कहा है कुछ ठिकाना भाई। और झूठ निकल जाए तो देख के तुम 10 आदमी बुला लो, पंचायत बुला लो, कोर्ट बुला लो, और कहा है कोर्ट बुला लो। सही ना, कोर्ट की जरूरत नहीं। मैंने बहुत साल पहले प्रतिज्ञा की बुद्धिपूर्वक, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे कोर्ट में जाना पड़े, थाने में जाना पड़े। मैंने अंदर से इतना निकल रहा है, कोई मेरी सारी संपत्ति छीन रहा है तो भी मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। के लिए मैं कोर्ट में जाते फिर है क्या अपना, हमारी संपत्ति ले जाओ जब जाने। सोचो कितने आनंद का मार्ग है। कभी सफाई मत देना, ये कहना है कभी सफाई मत देना। जब जब तुम्हें लगे हमने समझा के रहेंगे सुना, तुम दुखी हो गए, फिर ही समझेंगे क्यों कि सामने वाले की समझ के लिए उसके मोह की मंदता की जरूरत है, और तुम्हारे आनंद के लिए तुम्हारे मोह की मंदता की जरूरत है। थोड़ा मोह की मंदता की तरफ से कहा, सुनो सच्ची समझ की जरूरत। क्या बोला, कुछ समझ में आया कुछ? सामने वाला कब समझेगा? जब उसका मोह मंद होगा। और तुम भी कब समझोगे? तुम्हारे आनंद करने का अवसर आएगा तो तुम सच्ची समझ पैदा करोगे। तो एक काम करो, जो जो सच्ची समझ पैदा करते हैं उनका मन उदय। फिर से सुनो, जिनके मन उदय है सच्ची समझ है, उन्हें इसमें कोई दुखी कर सकता नहीं है। कोई दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ, ऐसे बोला कोई दुखी करने वाला। करो ये कौन दुखी करेगा, करो ऐसे ऐसे। समझ में आया भैया? देखो तुम तो फालतू की बातों से दुखी हो, मुझे आज तो नन्हे दिगंबर हो गए, ऐसे चलेगा पूरे देश में। अज्ञानी नहीं सड़क पर, अजैन नहीं, नग्न शरीर देख करके स्त्रियां नहीं, बेसियाई नहीं, गंदे लोग नहीं, हिंसक नहीं, पता कौन नहीं है जगत में? सबके सामने ऐसे निर्भय होकर निकल गए। क्यों? क्योंकि हमें अपमान का भय नहीं। ये है सच्ची समझ। क्या कह रहे? ये है सच्ची समझ, हमें अपमान का भय नहीं। कौन अपमान करेगा? कोई अपमान करता नहीं कि कर नहीं सकता। तो तुम्हारा अपमान तो किया किसी ने कभी? क्या रवि हाथ खड़े करो, कौन कौन की सासों ने बहुओं का अपमान किया ना? कैसे देखो, कैसे जे है आशीर्वाद जिनवाणी माता का, तुम्हारी दृष्टि सुधर गई, समझ बदल गई, बस और कुछ नहीं करना है। अपमान की चिड़िया का नाम है। सुना भैया ध्यान से, अपमान का अपमान होता है, स्वभाव का अपमान करने में कोई समर्थ नहीं। कुछ कहा हमने पॉइंट समझ में आया कभी? समझ में आया किसी? कुछ थोड़ा बहुत किसी? अपमान का अपमान होता है। अरे तुम अपने को मनुष्य मानते हो, जी अपमान है, भगवान आत्मा का अपमान है, इसका अपमान होता है। बारे बार आदमी, अरे बारे बार आदमी कौन का अपमान हुआ? हे काले कलूटा, कौन का अपमान हुआ बता? अरे तुम अपने को भगवान नहीं मानते तो तुम अपमान कर रहे, इस अपमान का अपमान होता है। अपने भगवान स्वभाव का अनुभव करने वालों का अपमान आज तक किसी ने नहीं किया। निंदा करें वही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, अनुमोद ना करते वही जिन ज्ञान सही है। बोलो कितना सुंदर मार्ग बोला, आपके समझ में आ रहे भैया? ओ सीता सफाई देने नहीं गई। यदि आप हमसे करणानियों में कहोगे तो सफाई देने वाले का विश्वास कोई नहीं करता। क्या बोला हमें, कुछ समझ में आया कुछ? सफाई देने वाले का विश्वास कोई नहीं करता। तुम सफाई देकर देख लेना कितने कितने दर्शन चाहिए। बोला हमारे हाथ में घड़ी बजी है, घड़ी है नहीं, मोबाइल रखो हमारे पास, ये घड़ी है। एक आदमी आप क्यों पंडित जी, घड़ी कौन की है? बड़ी सहजता से पूछी, पंडित जी घड़ी कौन की है? ये भाई के भगवान कसम अमरी है, जी सफाई का स्वर्ग है, जी भगवान कसम अमरी है। कुछ आएंगे कोई से बोलो, कुछ बोल दे मैनेजर से, तो वो कहेगा तुम इतनी सफाई क्यों दे रहे, तुम्हारी यार सीधे कहते हमारे लिए बस खत्म। बोलो सफाई देने वाले कोई भरोसा करेगा? बोलो खुद जाकर पर्चा खोगा कि हम बिल बता देते तुम्हें। कौन पूछ
सड़क पर दो स्त्री पुरुष जा रहे थे, दो माने स्त्री पुरुष, तो पुलिस वाले आपका जी को है भगवान कसम इनके साथ भावने पड़ी है मेरी, तो सिर्फ भगवान कसम का बड़ी सीधी कहो ना पत्नी में सड़क। अब फिर पुलिस वाले सही सही बोले तो हम फोटो बताए थे भावनों की, जितने जितने वो जवाब देगा उतने उसको शंका होती चली जाएगी और डर बढ़ जाए बेचारे और भगन लगे पुलिस को देख के, बोलो क्या होगा। हम मंदिर की कसम, फला की कसम और बच्चों की कसम, ये तो कसम मसम काहे खा रहा भैया। बोलो एक काम कर, एक मित्र ने दूसरे मित्र का कुर्ता पजामा पहन लिया, दृष्टांत है सुना ही होगा आपने। अब सफाई दे फिर रहे कि सही कह रहे हैं, हमें इनसे लव है या नहीं लव जो भी बची कह रहा, तो कैसा लग रहा सुनने बोला। सेठ सुदर्शन ने सफाई नहीं दी, सच्ची बात बताएं न्याय के लिए सफाई की नहीं साफ रहने की जरूरत है। थोड़ा सा अच्छा खुलासा करो तो अच्छा लगेगा, न्याय के लिए साफ रहने की नहीं साफ अनुभव करने की जरूरत है। समझ रहे कुछ क्या कहा, न्याय के लिए सफाई देने की जरूरत नहीं है, साफ अनुभव कर रहे ना। बोलो ये साफ अनुभव करने वालों क्या खतरा है, बोलो। कितनी सुंदर वो शॉर्टकट मार गए मिलकर, तुम किसी से घड़ी ले आए, अब तुम जो चिकन चाह रहे किसी की है अच्छा नहीं लगे ऐसा कहना था क्या इसका मतलब उधार की मांग के पहनती, तो आपने ऐसे कही नहीं नहीं हम आई है 5,000 की है सिंगापुर से मंगाई। असम झूठ बोलते थे तुम दुखी होना शुरू हो गए, वो भले कुछ नहीं कह रहा शांति से चला गया, नहीं तो मैं अंदर अंदर दुख, और एक दिन बोल घड़ी पे वो वापस तो करोगे तो पक्के होना था भाई, जैसे घड़ी ली थी उसको दे दोगे, एक दिन वो आदमी उससे मिला अरे ये घड़ी तुमने उनसे मांगी क्या उससे मांगेंगे हम उससे क्यों मांगेंगे तो उनकी है भैया उनके हाथ में देखी थी, वो कह रहे सिंगापुर से लाए 5,000 एक बेदवा दिन हमसे ले गए थे शादी में, आप कैसी लग रही थी बोला। बोलो उसकी नजरों में आप क्या इज्जत रहेगी बताओ, कितनी इज्जत रहेगी सही बता ना। अब अपमान हो रहा है कि वो जिस दिन सच्चे बोलते थे उस दिन सम्मान होता, साहब कह रहे थे भैया जी घड़ी हमारी नहीं है दूसरे की, भैया शादी पहनने के लिए ले आया आज हमारा मित्र है बहुत अच्छा प्रिय मित्र है उससे लिया, साहब कह रहे थे क्या दिक्कत है, झूठ झूठ बोले अब अपमान हो रहा है। सुनो झूठ का अपमान होता है, स्वभाव का अपमान नहीं होता, आत्मा का अपमान कभी नहीं होता, भगवान आत्मा का अनुभव करने वालों का अपमान नहीं होता, झूठ बोलने वालों का अपमान होता है, अब बोलते जाइए क्रोध करने वाले का अपमान होता है, मान का अपमान होता है, माया का अपमान होता है, लोभ का अपमान होता है, सरल भाषा में कह दो विपरीत सोच का अपमान होता है, क्योंकि विपरीत सोच में चार होते हैं, चार क्या कौन चार कौन विपरीत सोच में चार कौन, अरे अभी कसाई के नाम बताए ने क्रोध मन मैलो, विपरीत सोच में चारों ही होती है। अब बोलो ये सुखी होने के लिए सफाई देने जाए कि सच्ची समझ करें, सच्ची समझ करने में क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत हो तो बोलो, लेकिन इसमें क्या लगता है करने में क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत हो तो बोलो लेकिन इसमें क्या लगता है, हम कैसे कह रहे जी कपड़ा हमें दूसरों से ले, फिर आपने लिया तो कह दो उसमें क्या दिक्कत है। एक बहू देरान जिठानी बड़ा प्रेम था, देखो दृष्टांत दे रहे हो, बहुत प्रेम था, इतना बढ़िया प्रेम था, जिठानी के पास 1 किलो सोना था, तो देरानी शादी में गई तो उसने से दे दिया, छोटी बहन जो भी कहती होगी विमला बहन कमला बहन सचेत तुम ले जाओ पहनना बड़ी बढ़िया पहनना कोई दिक्कत नहीं, और ले ली गई और गहने पहन भी ली। अब कोई ने पूछ लिया जी गहने कौन की, अब उसे इज्जत पाना हो लघुता दिखाना हो सम्मान पाना हो, हमारी जीजी की है हमारी जीजी सगी बहन से बढ़ के हैं, इतना प्रेम है इतना बात सर है,
हम नई भी ला रहे थे तो जबरदस्ती दे दिया ना, जबरदस्ती बनाए जिस साड़ी सोई उनकी 25,000 की, वो नहीं दे रहे जबरदस्ती। हमारी जीरी ऐसी है सही, बिल्कुल इतना गुणगान कर देती है तो सारे महिला मंडल में उसी महिला के गीत गाए जाते सत्य बोलने के। अब अपमान कहा क्या होगा समाज से, कह ये हमरो है जिठानी कुछ नहीं है। अब जब बात लीक तो हो ही कभी ना कभी, बोला नहीं पहुंचेगी कभी। सारी महिलाओं उसकी इज्जत कर गई, झूठ बोलती है। अब कोई एक दिन कह रही हाओ भी तो झट्टू है, आप कितना बुरा लग रहा है। अब बोला बोलो अपमान किया है कि तुम्हारी परिणति ने अपमान करा है, बोलो बताओ बताओ अपमान किसने करा है, बोलो। मैंने तुम्हारी विपरीत सोच समझ गए, झूठ बोलना चोरी खुशी जो सब लगा रहे पांच पाप चार के साथ। ओ एक काम करो, कोई तुम्हें दुखी कर नहीं सकता, ऐसे स्वभाव को जानने के बाद चारों का साथ नहीं होगा। सुनो स्वभाव मिटता नहीं, ऐसा जानने के बाद कोई कसाई नहीं होगी, क्योंकि स्वभाव टिकाने के लिए क्या क्या चाहिए बोलो, पैसा मकान दुकान इज्जत आबरू क्या क्या चाहिए स्वभाव टिकाने के लिए। सुनो कितनी खुशी की बात है स्वभाव मिटता नहीं। सुनो अब सारी संपदा ले जाओ हमें आनंद है, क्योंकि जिस स्वरूप संपदा को जानने के बाद मोक्ष होता वो हमारे पास है और हम उसे जानते हैं। उसे टिकाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोलो ये हीरे का मूल्य कब बढ़ता है, जब सब उसकी इज्जत करती है, मतलब कब बढ़ता भी है संकेत, हीरे की इज्जत कीमत कब बढ़ जाती है। हर कोई जानो या मत जानो उसका स्वभाव मिटता नहीं, मिट्टी और कीचड़ कब तक टिकेगी उसके ऊपर बोलो, कीचड़ कभी टिकती नहीं, विभाव कभी लगाओ स्वभाव पर मैं साफ साफ कह दू। मैंने एक दृष्टांत दिया आपको, दो चार दृष्टांत दे दिए, अपमान मैंने मान कसा है। सुनो झूठ बोलने से मान कसा को कष्ट होता है, सच्चा मान तो भगवंतों का है। बोलो कब तक कब मिटेगा, बोलो कब मिटेगा। सुनो जिनके जीवन झूठ पर कल्पनाओं पर, कल्पनाओं में सब आ गया, बार बार चार कसाय पांच बाप नहीं गए, जिनके आनंद का महल कल्पनाओं पर खड़ा है वे बेचारे दुखी होंगे, नहीं कह रहे हम। चार पांच इतने बड़े पॉइंट आए आप लोग लिखे नहीं, तभी हम समझिए उपयोग करिए, पहले समझ गए थे। आई बात समझ में आई भैया, कल्पना के बल पर महल नहीं खड़े करो भाई, दुखी हो गए नहीं हो, और उसके फल में आनंद संसार है। क्यों, जब कल्पना का महल नहीं टिकता तो कौन कौन बुरा लगता पता है। जी जी हैं जी 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 जी, जी मतलब ये हमारी बुराई करते हैं और इन्हें चुगल दे, इन्हें कह दे, हमने कही कही उम्र इन्हें कह दे, आज तुम्हारी कल्पना के महल है छेद छेद है इसमें। कल्पना के महल की कोई नींव नहीं होती, नींव समझिए नींव आधार नहीं होता। अरे यार समझ में, कल्पनाओं के आधार बेटे क्या कहें, कल्पनाओं के आधार पर महलों में बहुत आधार ही नहीं उसका। सत्य स्वरूप को जाने के बाद कितना बड़ा आधार होता है पता, कौन दुखी कर पाएगा बोलो। सुनो एक प्रतिज्ञा कर दो सत्य बोलेंगे, जिनका एहसान होगा उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, भ्रष्टता नहीं करेंगे, कृतज्ञता नहीं करेंगे, कृतज्ञता समझते हो, मतलब हमें किसी नहीं पढ़ाया तो हम ही है बस, हमने पूर्वजनों का संस्कार लाए, हमें ही है सब। अरे कुछ नहीं, आचार्य अमृतचंद स्वामी क्या लिख रहे हैं, जो ये अनुभूति है ये श्री गुरुओं के प्रसाद है, श्री गुरुओं का प्रसाद है, परमानंद के अभ्यास से हुआ है, श्री गुरुओं के चरणारविंद के निरंतर सेवन करने से हुआ है। भाषा कितनी बढ़िया बढ़िया होती है, हमें क्या लगता है जब कोई मान कथा आती ना तो कृतज्ञता चली जाती है, समझ ले जरा, जब मान कथा होती है तो कृतज्ञता आती है। एक महिला बहुत अच्छे भोजन बना लेती थी, रसगुल्ले वगैरह कोई चीज, तो गांव में सब तारीफ करती थी उसकी, मोहल्ले वाले सब तारीफ करते थे,
तारीफ कर दे सो ओके और समझ गए हमें सवाल उसने एक दिन भी नहीं कहा ये चीज हमने उनसे सीखी ये चीज हमने उनसे सीखी कभी नहीं बताई सुना अब ये दुखी होगी और कितना अच्छा लगता है लघुता में सुना जी बात हमने इनसे सीखी थी वैसे हमें इनने बताया था सुनो आपका जितना ज्ञान का स्टॉक है ये कितने सारे कृपालुओं का दिया गया है आज हम बोल रहे थे हम थोड़ी बोल रहे बोलो यदि हमें शिक्षकों ने ना पढ़ाया होता तो हम बोल पाते पंडित साहब ने नहीं बताया तो पढ़ पाते बोल पाते इन आचार्यों ने इतने ग्रंथ ना लिखे तो हम बोल पाते बोलो हमारे ये वचन के पीछे कितनों का आधार है और हमने सबके साथ कृतज्ञता कर दी है कोई न कची नहीं हम सुनो रुक जाओ थोड़े दिन में आपका सूर्यास्त होगा आपने देखी सूर्यास्त सूर्यास्त देखी मुझे बहुत डर लगता है सूर्यास्त सूर्योदय बहुत अच्छा लगता है मैंने कई विद्वानों का सूर्यास्त देखा है एक समय जब उनकी बहुत कैसेट चलती थी तूती बोलती थी सारा देश ऐसा करता था और एक समय ऐसा भी आया कोई पूछने वाला नहीं मिला कृतज्ञता मत करो हम सब कुछ नहीं है मैं इसके लिए ऐसा कहता हूँ अपन केवली नहीं हो गए लगता रखो भैया अपन केवली नहीं हो गए आई बात समझ आई भैया जब कभी हो जाए ड्रेन ड्रेन गया कृतज्ञता ज्ञापित करो बस पढ़ लो ये अंतिम लाइन हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं रोग न मेरे और आवे क्या कह रहे हैं यहाँ ध्यान रखना है यदि आपको भगवान बनना है यदि आपको गुण बढ़ाने हैं सारी दुनिया आपकी तारीफ नहीं करे तो बोल देना जी दो गुण सीख लो बिल्कुल बच्चे से भी कोई बात सीखी है तो उसका सहजता से नाम दो ये बात इस बच्चे ने बताई लघुता से प्रभुता मिलती है अंतिम बात कहेंगे टाइम हो गया प्रशंसा के लिए आप प्रशंसनीय कार्य मत करो प्रशंसा के लिए प्रशंसनीय समझ रखो और प्रशंसनीय समझने यही है विनय भक्ति वात्सल्य कृतज्ञता ये ही और कुछ नहीं है जिसके बाद प्रशंसनीय समझ होगी सोच होगी प्रशंसनीय काम तो अपने आप ही होंगे लेकिन लोग मालूम कैसे करते हैं प्रशंसनीय काम का हमने निषेध क्यों किया हमें जैसे कोई प्रसन्न चाहिए तो पूजा करता काम तो बढ़िया कर रहा है पूजा कर रहा है और सब कहेंगे भी सही जरूर बढ़िया पूजा करने लगे क्या देखो बच्चे पूजा करने लगे प्रशंसा हो जाएगी लेकिन सोच तो बदली नहीं सब पूजा करेगा आप कैसी करेगा अटकल पच्ची क्या खिलाती कर रहा है दिखाने के लिए कोई नहीं दे कोई तारीफ नहीं करे तो जो डरो तुम्हारा मंदिर जे डरे भगवान कौन हम नहीं है समाज के देखो सोच नहीं बदली थी प्रशंसनीय सोच होती तो पूजा तो होती ही अरे क्या बताएं मतलब स्वाध्याय के प्रति भी भक्ति होती मंदिर में कोई साधन भी मिल जाता अरे भैया घर चलो भैया भोजन भोजन कर लो भैया और कोई तकलीफ तो नहीं होगी तुम्हें सुन लो भैया ध्यान से साधनियों के प्रति वात्सल्य भी भगवान की पूजा है भैया तुम्हारे बिजनेस में तकलीफ तो नहीं है हमें कोई चिंता नहीं करना और आपकी बच्चे की तकलीफ तो नहीं शादी वाली पढ़ाई वढ़ाई की कोई कष्ट तो नहीं है हमें भैया एक भगवान की पूजा है क्या कह रहे सम्यक दृष्टि के आठ है भगवान की पूजा है समझ में आ रहे हैं आपको बस अब ये सोच कब आएगी नहीं आपसे ही बताना जिसको इतनी सोच होगी बोलो उसकी पूजा कैसी होगी सुना नकली पूजा करोगे तो कोई प्रशंसा भी नहीं करे हाओ इज्जत हाली की तरफ जत हाली में कर दे बस काय की पूजा देखा आपकी पूजा लोग ऐसे करने लगेंगे और नहीं तो अरे जी बड़ी धर्मात्मा सारे गांव में अपना प्रशंसा होंगे जी बड़ी धर्मात्मा क्यों साधर्मी का ध्यान रखती है गुरुजनों का सम्मान करती है कृतज्ञता ज्ञापित करती है बोलो भैया समय तो हालांकि हो गया फिर भी एक बात कहने की इच्छा हो ही रही सुनना सभी बच्चे से भी कह रहे और बंगुओं से भी कह रहे बच्चे का तो सब समझ दिया करो बंगुओं से भी कह रहे जो बंगुए सोचती सारे गांव में हमारी तारीफ हो रही दो चार की सिंपैथी मत ले
केवल सांस के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने लगो, जितने घर में बड़े जाने उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने लगो, ना सारा गांव तुम्हारी यश गायत्र कह देना, ना सारा देश तुम्हारा यश गायत्र कह देना, बस। लेकिन हम क्या करते, अच्छा बनाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छे कपड़ा धोएंगे, सब काम अच्छे करेंगे, और फिर जब इंटरव्यू देखो कोई तारीफ नहीं करे, हमें इतने अच्छे कपड़ा धोए कोई तारीफ नहीं करे, तो क्या करेंगे, ढोल लिया एक माइक बजाएं, आज हम ली बहू ने बढ़िया कपड़ा धोए, क्या करे, अब ऐसे सम्मान चाहिए, बोले कैसे, मतलब क्या सुनना चाहते हैं, बोले। इसलिए हमने कहा यदि आप प्रशंसा चाहते हैं तो प्रशंसा नहीं, काम नहीं करो, कुछ काम नहीं आगे, प्रशंसा नहीं समझ करो। सबसे कह रहे तो बच्चों के दृष्टांत इसलिए दे दिए, हर एक की इच्छा होती है हमारी तारीफ हो, ऐसा कोई नहीं जो नहीं सोचता हमारी तारीफ नहीं हो, बल्कि हम जैसे मायाचारी होते थे, किसी की नजरों में चढ़ना माया सल है, क्या कहा, नियमसार जी की माया सल है, किसी की नजरों में चढ़ना, भाई साहब खुश रहे, भाई साहब अच्छे लग, भाई साहब को हम लगना चाहिए हम बहुत अच्छे, ऐसे नहीं करो भाई, प्रशंसा नहीं सोच ये है, अपने हित में लगो, हित में लगो। एक कहावत सुनी होगी भारतीय परंपरा में, नेकी कर दरिया में डाल, क्या मतलब, कुछ नहीं किया, उसका मतलब है हमने कुछ नहीं किया, दान देने के मामले में लिखा है बाएं हाथ से दान दे तो दाएं हाथ को खबर न पड़े, दाएं हाथ से दान दे तो बाएं हाथ को खबर न पड़े, क्या मतलब, अकर्ता बना, अच्छी सोच रखो, इसका नाम है अच्छी सोच। बोलो भैया कौन कौन को प्रशंसा चाहिए, प्रशंसा नहीं सोच कर अपने आत्महित में लगो, चक्कर में नहीं पड़ो किसी के, सुनो साधारण बात चले करो, यस तो अपने आप होता चला जाएगा, नहीं हो तो कह देना, नहीं तो क्या होगा, जिस दिन जिसकी नजर में चढ़ना, जिस दिन वो खड़ा होगा उस दिन तो खूब काम करोगे, और जिस दिन में जाएंगे तो कौन के भगवान, कैसे भगवान, चूल्हे में जी पड़ेगा अपने आराम से। थोड़ा मजी साहब ने लिखा है जो लोग अज्ञानी है वे किसी किसी दस लक्षण व्रत में तो बहुत व्रत करती है, ऐसा लिखा है, दस लक्षण से समझ लेना खुलासा, किसी व्रत आदि के अवसर में तो बहुत व्रत आदि करती है, दान आदि करती है, और किसी किसी प्रसंग में सूमापन दिखाते, सूमा समझते, कंजूसी दिखाती, एक पैसा नहीं देती, किसी प्रसंग में बहुत पैसा देते हैं, किसी प्रसंग में एक पैसा नहीं देती, किसी प्रसंग में बड़े बड़े उपवास करते दस दिन का उपवास, और किसी प्रसंग में एक हरी नहीं छोड़ती, ये अज्ञानियों के बारे में लिखा है। और ज्ञानी कैसे होते हैं, वे सभी प्रसंगों में यथा योग वृद्धा शक्ति से भक्ति वात्सल्य भैया वृत्ति आदि किया करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगता इनकी कर दो इनकी मत करो, ऐसा नहीं लगता उन्हें, सुनो भैया धर्मात्मा कैसे होते हैं, उसके एक दृष्टांत है बहुत अच्छा, धर्मात्मा कैसे होती है, मेघ समान सभी पे बरसत, क्या दर्शन दिया, तो कैसे धर्मात्मा हो, जैनियों पे करुणा करते हो, अजैनों पे नहीं करते, क्यों अजैनों से नफरत करते हो, तुम कैसे जैन हो, सुनो जैन कैसे होते हैं, एक इंद्री पानी के जीवों की और भी करुणा करते हैं, संगी पंचेंद्री हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बहुत दूर की बात है, एक इंद्री पानी के जीवों पर भी करुणा करते हैं, प्रेम भावे हो बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, और सुनो भैया ध्यान रखो हमेशा बड़ों के प्रति कृतज्ञता के वचन बोलो, मधुर वचन बोलो, सभी से कहेंगे एक बात, आपकी शंका झूठी है ध्यान रखना, कभी शंका मत करो, कभी किसी पर शंका मत करो, सुनो शंका ऐसी आ गए कि जिस पर तुम शंका करते हो वो नहीं जलता, उस शंका की आग में तुम जलते हो, क्या बोला हमने, आज पांच से आठ पॉइंट हुई, खूब सोचो जिंदगी भर के लिए, क्या कहा हमने, बोलो बोलो, ये कौन बोलो, देखो जो लोग शंका किया करते हैं ये जासूसी कर, तू पेट्रोल डाल के आग लगा रहा है अपने अंदर, जो लोग निंदा और चुगली करते हैं
इतने गंदे लोग हैं कि दूसरों के कपड़े गंदे करने के लिए लैटरिन अपने जेब में भरे रखे गए, मतलब अपने दिमाग में, जेब नहीं दिमाग, दूसरों की गंदगी शेयर किया करते हैं, कचरा 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 पूछते रहते हैं, खोजते रहते हैं। कहा कह जी अच्छा तुमने तो नहीं, बस ठीक डाल दो हमारे खान में और दिमाग में स्टोर, इतनी सारी गंदी बातें स्टोर कर लेते हैं और जैसे मौका पड़ता है कीचड़ की तरफ छानते हैं और दुखी होते हैं, भयंकर दुखी होते हैं। सुना हमारे पास जो बच्चे साफ साफ है, मुझे इतना भी नहीं विकल्प होता कि अब इधर सुनो ऊपर जाके कहेंगे तुमसे, ऊपर जाके तब तक हम भूले ही जाएंगे। हाँ प्रणाम दादा, एक दिन मैं भोजन करते समय बहुत सारी बातें सोचता हूँ, उठने के बाद चीजें बातें कह रही मैं भूल उठने के बाद भूल जाता हूँ। कहा यस पारदर्शी रहो, पारदर्शी कोई बुरा करे अच्छा करे अपन पारदर्शी रहो। समझ भाई भैया मैं एक समान सभी पे बार सवा ये कहती भाई करुणा आती है, मुझे तो बड़ा ताजुब होता है, दूर के डोर स्वभाव नहीं लगती और निकटवर्ती बुरा लगता है, ये सबसे बड़ा अभिशाप श्राप क्या कह रहे हैं, कैसा कैसा तुम्हारा गंदा जीवन, अरे राम राम दूर की अच्छी लगत और निकटवर्ती बुरे लगे। भैया हम अहमदाबाद गए थे, वहां की ब्रह्मचारी बहुत अच्छी लगी और वहां गए थे जबलपुर, वहां की मरिया की ब्रह्मचारी बहुत बढ़िया लगी, मैंने तुम्हें हंस के पानी पिला था उसको तुम्हें अच्छी लगी और जो रोज पैर दबा रहे थे बुरे लग रहे, कितनी गंदी सोच है। सुना भैया कोई किसी से दुखी सुखी नहीं है, सब अपनी अपनी समझ से सुखी हैं और मिथ्या कल्पनाओं से दुखी हैं। सुखी होने के लिए बाहर में कोई उपाय मत करो, किसी को समझाने मत जाओ, कभी सफाई देने मत जाओ, सुखी होने के लिए सच्ची समझ करो बस। इसके लिए कहते हैं अपना सुधार करो, अपने में सुधार करो, अंतर्मुख सुधार करो, अंतर्मुखी जीवन जियो, इसका नाम है अंतर्मुखी जीवन जियो और कुछ नहीं करें। आई बात समझ में भी है, खूब विचार करना शांति से, हमें तो ऐसा आनंद आ रहा है धारा बह रही है अंदर से, सफाई देने की कोई कोशिश मत करो। समय जब सफाई देता है तो सीता की तरह पूजी जाती है, पांडवों की तरह पूजी जाती है, शेख सुदर्शन की तरह पूजी जाती है, समय सफाई देता, ध्यान रखना वे स्वयं सफाई नहीं देती, वो जो सफाई देते हैं उनकी सफाई नहीं हो पाती। सफाई नहीं हो पाती भाई, नहीं हो पाती, हम कर्णानियों से कहें तो कर्मों का उत्कर्षण ही हो जाता है, और लोग बातें मनाते हैं, हाँ यदि सही होते तो सब जगह सफाई क्या दे रहे, दस जनों काम में क्या दे, सब जगह अपनी सफाई क्यों देते फिर रहे, बता यदि सही है तो। जैसे शिवराज सिंह चौहान ने बोला कसी सफाई में पाई, इसलिए बोला यदि ऐसा हुआ तो संन्यास ले लूंगा, राजनीति से छोड़ो शरीर से संन्यास ले लूंगा, जी बात एक बार भी कह दी एक सेकंड में फटाफट हमके और भी लोगों के ऊपर तो आरोप लगे, उन्होंने क्यों नहीं कहा, वे भी तो कह रहे थे, उन्होंने तो कभी नहीं कहा, कानून अपना काम कर रहा है, धीरे से बोल देंगे और धीरे आई बात समझ में आई, मैंने बड़े स्पष्ट रहो, वो दूर भगावे बुरी सोच, बुरी रीति है, मैंने बुरी सोच बुरी रीति है, समस्त बुराइयों की जन्मदाता है बुरी सोच, विपरीत सोच, मिथ्या सोच, सभी लोग उसका विचार करो, हम सफाई नहीं देंगे, साफ रहेंगे, साफ रहेंगे थोड़ा सुधार कर दो बस, साफ अनुभव करेंगे, चक्कर नहीं पड़ेंगे, सात जवाहर खोल साफ कर देंगे, जो काम इनसे सीखा है, जो इनकी आज्ञा से किया है और जो हमने अपने टेढ़ा कर से किया है साफ कर दो। देखना जब भी काम बिगड़ जाता है तो हम झट कोई निमित्त हम भोजते, यही तो बोली रीति है, काम बिगड़ गया इनकी वजह से बिगड़ो, इनकी सलाह से बिगड़ो, और इन्हें कह रही थी मैं इन्हें धक्का दे रहा था, और अच्छा काम होगा तो सुनो, जब कभी अच्छा काम हो जाए तो गुरुजनों को याद कर, जब कमियां हो जाए तो अंतर्मुखों के विचार कर, कमी क्यों हुई, जिसके लिए हमने आज कहा था आत्मनिरीक्षण करो, विचार करो। ओम नमः शिवाय।
कर्म भी